ने अब्राहम से एक पुत्र का और पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया, जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए, अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक को जन्म देगी। जब उनका पुत्र पैदा हुआ, सारा इतनी प्रसन्न हुई कि वो प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वो हंसता है। जब इसहाक एक छोटा लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को मोरिय्याह पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। इसहाक लकड़ी उठाकर चला और अब्राहम ने छुरी और मशाल ली। इकट्ठे वो पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहां पर है? इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा, अब्राहम ने जवाब दिया। अब्राहम ने वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसको नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम, लड़के को मत मार, स्वर्गदूत ने कहा। परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान कर। इस तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान किया। उसने उस स्थान को यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया था। ठीक जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा सच्चा हुआ।